नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। भौकाल, रौला, ये शब्द सुनने में जितने अच्छे लगते हैं और सुनने के बाद जब शरीर में सहरन शुरू हो जाती है और सामने से अगर कोई भौकाल और रौले में गुजर रहा होता है तो मन करता है कि क्यों ना इस तरह का भौकाल हमारा भी हो। लेकिन कभी कभी ये भौकाल उस व्यक्ति के जी का जंजाल भी हो जाता है जो ये भौकाल दिखा रहा है, और कुछ ऐसा ही नोएडा में हुआ है। नोएडा के सेक्टर 93 की ओमैक सिटी में श्रीकांत त्यागी नाम के व्यक्ति ने, जो खुद को भाजपा का नेता बताता है और भाजपा का नेता है भी क्योंकि कई सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ उसकी तस्वीरें हैं, उसको किसान मोर्चा में अहम पद भी मिला था, वो जिम्मेदारियां निभा रहा था। श्रीकांत त्यागी ने 4 दिन पहले ओमैक सिटी में एक महिला के साथ जिस तरह से अभद्रता की और उसके बाद वो वीडियो जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों में नाराजगी देखने को मिली और उसके बाद की जो कार्रवाई हो रही हैं उन कार्रवाइयों से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी मामला भौकाल और रौले से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि श्रीकांत त्यागी का जो इतिहास है वो इतिहास ही कुछ ना कुछ इन शब्दों को व्याख्यित करता है कि वो अपने आप को भौकाल और रौले से जोड़ करके जनता के बीच में पेश करता हुआ हमेशा से आया है। लगातार सरकार की तरफ से अब उसके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, उसके जो अवैध निर्माण हैं उन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से आज उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जो भी इसे पकड़ के लाएगा उसे इनाम भी दिया जाएगा और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उसके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला रही है। सुबह पहले हथौड़ा चलाया गया, फिर बुलडोजर चला और ये कहा जा रहा है कि इसका जितना भी काला चिट्ठा है वो सब खोल के रख दिया जाएगा। करीब 15 दुकानें ऐसी हैं जहां से 8 लाख रुपए की महीने की वसूली करने वाला ये व्यक्ति उस दिन चर्चाओं में आ गया जब इसने अपने ही अपार्टमेंट में जहां ये रहता था वहां पर एक महिला से अभद्रता कर दी। मामला तब का है जब ये अपने घर के आसपास के कंपाउंड में जगह में पेड़ लगा रहा था और उस दौरान सोसाइटी की एक महिला ने इसका विरोध किया। विरोध करने के मामले में इस व्यक्ति ने उस महिला के साथ पहले गाली गलौज की, हल्का सा धक्का भी दिया और धक्का देने के साथ साथ उस पर पर्सनल टीका टिप्पणी भी करी। तो सरकार एक तरफ ये कह रही है कि कानून का राज है, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ अभी तक ये व्यक्ति जो है ये पुलिस की पकड़ से दूर है। कल इसके कुछ साथी जो थे वो एमएक्स सोसाइटी में घुसे भी थे जिसे वहाँ की पब्लिक ने पकड़ भी लिया। रात में स्थानीय विधायक, जिले के सांसद भी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव को फ़ोन भी किया और फ़ोन करके उन्होंने जो चीज़ कही वो भी उस वीडियो की तरह ही वायरल हुआ जो कि श्रीकांत त्यागी का था और महेश शर्मा। महेश शर्मा ने अवनीश अवस्थी को फोन करके ये कहा कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया? क्या पब्लिक के दबाव में आकर दिया या फिर उन्हें ये लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के नोएडा से जहां से वो जीत करके सांसद आए हैं, गौतम बुद्ध नगर की वो सीट जहां से वो सांसद हैं, कहीं ना कहीं वहां पर ओमैक सिटी में जो भी हो रहा है वो सही नहीं है और उसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि 48 घंटे में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 10 तारीख को बताया जा रहा है कि वो सरेंडर कर सकता है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो इतिहास भी कहीं ना कहीं भौकाल और रौले से ही जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 1.5 दशक पहले करीब ये प्रॉपर्टी डीलिंग में आया था। प्रॉपर्टी डीलिंग में पहले ज़मीनें बेचता था, फिर आरोप ये भी है कि इसने ज़मीन कब्जाना शुरू कर दिया और कुछ लोगों को कब्जवाना भी शुरू कर दिया और शुरू करवाते करवाते जब इसके पास मोटी रकम इकट्ठा हो गई तो उसने सोचा कि चलो राजनीति में आते हैं। राजनीति में आने के बाद इसने कुछ नामी चेहरों से अपने संपर्क बनाए। संपर्क में कुछ मंत्री भी थे उस समय के, कुछ मौजूदा तत्कालीन विधायक भी थे जिससे इनके संपर्क हुए और उसके बाद से लगातार इसका जो ऑरा था वो ऑरा बढ़ते चला गया। और बताया गया कि इसने भंगेल में जहां पर इसकी ज़मीनें थीं, इसके परिवार की ज़मीनें थीं, नोएडा अथॉरिटी के अंडर में जब वो ज़मीनें आई तो उसका अच्छा खासा जो मुआवजा था वो भी इसको और इसके परिवार को मिला। सवाल ये भी है कि आखिर इसके पास ये ज़मीनें सच में थीं या वो ज़मीनें भी कहीं ना कहीं कब्जाई हुई थी। उसी पैसे के बल पर इसके पास गाड़ियों का काफिला आ गया। इसने अपने घर पर, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ये वहाँ पर रहता था भंगेल में, तब इसके आवास की जो सुरक्षा थी वहाँ पर खुफिया
गार्ड्स लगाए गए थे, बाउंसर्स लगाए गए थे, पुलिस की सिक्योरिटी थी और जो डॉग स्क्वाड था वो भी टीम वहां पर लगी हुई थी, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था, पुलिस की बैरिकेटिंग लगी थी, कई सारा जो अमला था सरकार का वो वहां पर लगा रहता था और इसके काफिले में जिप्सियां भी चलती थी पुलिस की। और कहीं ना कहीं जो एक बड़ा दिखावे का मामला था वो कहीं ना कहीं त्यागी से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस पूरे कांड के बाद ये समझ आ गया था उसको कि मुझे समस्या हो सकती है और इसी वजह से वो गायब है। अभी तक वो गिरफ्त में नहीं आया, 10 तारीख को बताया जा रहा है कि वो सरेंडर कर सकता है लेकिन अभी उसने कुछ ऐसा नहीं किया है। फिलहाल एक समय ये भी आया था कि जब उसने ये सोचा कि मुझे चुनाव लड़ लेना चाहिए, उसने तैयारी भी की थी लेकिन उसे टिकट नहीं मिला था। भाजपा में किसान मोर्चा का जो प्रकोष्ठ है उसमें उसको अहम पद भी मिला हुआ है। एक वक्त ये भी था जब 2018 में उसके साथ 5 गनर चलते थे और बताया ये जा रहा है कि राजधानी लखनऊ के कुछ ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो उसके संपर्क में थे और उसी के बल पर कहीं ना कहीं उसने अपनी जो सुरक्षा था उसका भी और जो था वो सेट किया हुआ था। इसके पहले गोमती नगर में 2020 में भी उसका एक मामला था जब उसकी पत्नी से उसकी कुछ कहा सुनी हुई थी। मामला ये था कि वो अपनी किसी महिला मित्र से मिलने के लिए राजधानी लखनऊ आया था, अपार्टमेंट में एक मकान में रुका हुआ था, तभी उसकी पत्नी भी आ गई। जब पत्नी वहाँ पहुंची तो हाथापाई शुरू हो गई। उसके बाद पत्नी ने गोमती नगर थाने में इसके ऊपर 307 308 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा जो था वो भी दर्ज करवाया था और अब तक कुल मिलाकर इसके ऊपर करीब 5 FIR जो हैं वो दर्ज हो चुकी हैं। नोएडा में भी 2 FIR अभी रिसेंट में इसके ऊपर दर्ज हुई हैं। तो इतना बड़ा नाम जो बड़े नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लगातार राजनीतिक उठा पटक के बीच से होकर के ये गुजर रहा है, अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा है कि जो भी इसे पकड़ के लाएगा उसे 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, लेकिन ये कार्रवाई देर में क्यों हुई? सवाल ये भी है, लगातार विपक्ष यही सवाल कर रहा है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई तो कर रहा है लेकिन बहुत देर कर दी। अगर ये कार्रवाई पहले इसने की होती या फिर पुलिस की तरफ से प्रशासन की तरफ से की गई होती तो शायद त्यागी का ये वीडियो सामने ना आता। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर सत्ता के करीब आने से कहीं ना कहीं त्यागी को नुकसान हुआ है या फिर सत्ता की ही शय है जो उसे बचा रही है। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। इसका जवाब तो सिर्फ महेश शर्मा जी जो इनके सांसद है उसकी इन बात से ही मिल जाता है। उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के अंदर कानून की हिरासत में होगा। वो 48 घंटे कब के पूरे हो चुके हैं पर कार्रवाई नहीं हो चुकी है। हमारा खुद विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का, हमारे नेताओं का दबाव है, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, मीडिया उसको दिखा रहा है, न्याय की मांग कर रहे हैं, देश में माहौल बन रहा है, इसलिए दिखावटी कार्रवाइयाँ की जा रही है। ठोस कार्रवाई बीजेपी कभी करती नहीं, अपने आदमियों को बचाने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपनाती है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार, आज उनके मंत्री भागे फिर रहे हैं, उनके विधायक जमीन कब्जा करते फिर रहे हैं, भाजपा के लोग महिलाओं को पीटते नजर आ रहे हैं, गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और जो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ भी जांच हो रही, कार्रवाई होगी, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से, मैंने जब लव कुमार को फोन किया जब रणवीर को तब यहाँ पुलिस आई है, मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर है, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये कहते हो हमारी सरकार। विक्रांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है की घटना को शासन ने तथा DGP UP ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु, उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। सुनील शाही साहब हमारे साथ BJP से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा चंचल यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सत्यजीत अतवारा साहब हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं, अभिषेक मिश्रा जी सीनियर एडवोकेट राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं और जनता संघर्ष मोर्चा से सुभाष यादव जी जुड़े हैं। आप सभी और आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। शाही साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। भोकाल और रौले वाला मामला जो है वो गड़बड़ा गया है शाही साहब, ये त्यागी जी ने काफ़ी कुछ बंटाधार कर दिया आप लोगों का,
लेकिन आप लोगों की कार्रवाई चल रही है लगातार, सुबह से पहले हथौड़ा चल रहा, फिर बुलडोजर चल रहा है, पकड़ धर पकड़ भी चल रही है, क्या कहना? नितिन जी देखिए, भौकाल और रौला चाहे जिसका हुआ हो, खराब उसका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सामने न भौकाल चलेगा न रौला चलेगा। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने भी उनके खिलाफ बयान दिया कि भाई ये हमारे पर्चा वाले भी सदस्य नहीं है, जो बनता है उसमें फार्म भरा जाता है, वो स्पष्ट आ गया है। लेकिन अब उससे भी इतर चीजें हो रही हैं। उनके साथ के जो लोग थे उन सबको गिरफ्तार किया गया है, जो दोबारा पहुंच गए थे हिम्मत करके वहां। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही होने की पूरी तैयारी हो गई है। अगर जो घटना उसने वहां पर किया वो इतनी निंदनीय है, किसी महिला को क्यों धक्का दे रहे हैं आप, क्यों गाली दे रहे हैं, और उसके बाद आप कब्जा करके भी बैठे हुए सोसाइटी में। सोसाइटी में कब्जा करना, वो बुलडोजर चला गया तो बाबा जी का बुलडोजर हर जगह पहुंचता है। हम तो ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्य नहीं है। अगर हम एक क्षण के लिए मान भी लेते हैं तो विपक्ष के मुंह पर ये करारा तमाचा भी है कि हम ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर बुलडोजर नहीं चलता है। उसकी कुछ तस्वीरें भी आई हैं, कुछ ऐसे पत्र भी जारी हुए हैं जिसमें आप लोगों की तरफ से उसे पद भी दिया गया है, और इसी को लेकर के विपक्ष सवाल कर रहा है कि शायद इसीलिए आप लोगों ने देर कर दी। देखिए, विपक्ष का सवाल करने का है, हक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कभी रहा होगा, कोई चिट्ठी दिखाया जाए, चिट्ठी पर अगर हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन फोटो खिंचवाने से कोई नेता नहीं हो जाता। अच्छा, हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ मेरा फोटो है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि मैं केंद्रीय मंत्री हूँ। मैं जहां हूं वहां हूं, मुझे अधिकार ये नहीं है कि मैं कब्जा करूं और किसी महिला के साथ बदतमीजी करूं। लेकिन ये विपक्ष वाले तो यही कह रहे हैं ना, नहीं, विपक्ष वाले तो यही कह रहे हैं कि आप लोगों की पार्टी से, आप लोगों की साठगांठ है, आप लोग का संरक्षण है, इसी वजह से वो फरार चल रहा है, गायब है, पकड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग। नितिन जी, इतना गूढ़ विश्लेषण आपने किया है अभी अपने ओपनिंग रिमार्क में जी, उसके घर पे महिला मित्र के बारे में सब कुछ, एक चीज कहीं और छूट गई है जी। 2012 में एक फायरिंग हुई थी इनके साथियों के द्वारा, हाँ, जहां पर ये मौजूद था जी, नोएडा में, और सेक्टर 24 में मुकदमा भी दर्ज हुआ। उस पर 5 साल सरकार रही, अगर आज विरोधी हमारे ऊपर लगा रहे हैं आरोप, तो 5 साल उनकी भी सरकार रही। मुकदमा सेक्टर 24 के थाने में दर्ज है। क्या कर लिया इन लोगों ने? ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य का चेला बताया जाता है वो। क्या जवाब है इनके पास? भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से दो काम किए, जो जीरो टॉलरेंस की आज योगी जी की जो है नीति है वो कायम है उस पर, और आगे भी रहेंगे। ठीक है, वो किसी को अपराध करने नहीं दिया जाएगा। और अगर अलग उन्होंने जो कब्जा किया हुआ था अवैध, उसको तोड़ दिया गया। अब एक चीज बची है कि गिरफ्तारी किस घंटे उनकी हो जाए, वो अपराधी की तरह ले आकर कोर्ट में डाला जाएगा। ठीक है सर, और न्यायिक जो सजा होगी वो मिलेगी। ठीक है शाही साहब, मैं आता हूँ। चंचल यादव हमारे साथ हैं। चंचल यादव, शाही साहब की बात आपने सुनी कि 2012 में भी एक मुकदमा हुआ था लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया, साफ तौर पर उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि कोई भी होगा चाहे वो हमसे जुड़ा हो ना जुड़ा हो, हालांकि त्यागी जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्होंने सिरे से नकार दिया है, कोई भी जो जुड़ा भी हो ना भी जुड़ा हो उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई होगी। देखिए नितिन जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बोला करते हैं कि अपराधी सारे के सारे उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश से भाग चुके हैं। लेकिन आप देखें, आए दिन लगातार आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा के देख लीजिए, गुंडागर्दी चरम पे है। आज के टाइम में आप देखो, लखनऊ से लेकर के कोई भी जिला आप उठा के देख लीजिए, अभी पिछले 5-6 महीने के रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिएगा, तो NCERB का जो डेटा है अगर उसको भी अगर आप पड़ताल करेंगे तो भी उत्तर प्रदेश कई सारे मामलों में नंबर वन है। जैसे अभी देखिए, कल एक वाकया हुआ था इटावा का, मैं उस बातों पे नहीं आऊँगा। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि हमारे जो केंद्र में सरकार बैठी हुई बीजेपी की सरकार है, वो 11 महिला मंत्री हैं वहाँ पे, उत्तर प्रदेश में 5 मंत्री हैं। हमारी आदरणीय स्मृति ईरानी साहब आए दिन जो है, मतलब कुछ कुछ अगर कोई बात होती तो सबसे पहले मुखर रहती हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शाही साहब से कि क्या उनका एक भी स्टेटमेंट आया, एक महिला को जिस तरीके से, एक जाति विशेष को लेकर के जिस तरीके से अभद्र गालियां, क्या क्या, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं ऐसी गाली देने वाला इनका नेता है और कई प्रमुख पदों पर रहा है। इन्होंने कहा कि सपा के शासन में उसने फायरिंग करी, क्या करी क्या नहीं करी मुझे वो अभी पता नहीं
ये झूठ बोलने में बहुत लोग माहिर हैं, चूंकि अपने ऊपर जो कीचड़ होता है किसी और के ऊपर फेंकने की कोशिश बराबर करते रहे। जितने भी केस अगर आप देखिए, जितने भी केस अगर इनके शासन में होगा, मैं आपको बता दूं नितिन जी, आज के टाइम में हालत ये है कि जो जितना बड़ा दंगाई उतना बड़ा भाजपाई, इनका महिमा मंडन किया जाता है। अगर आप देखें जो है अभी नुपुर शर्मा ने लास्ट टाइम अभी एक उनके बयान पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट बोला कि आप एक बयान के ऊपर जो है पूरे देश में हाहाकार मचा, लेकिन क्या इनकी सरकार ने नुपुर शर्मा को जेल भेजने का काम किया? मैं आपको यह भी चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आने वाले समय में आप देखेंगे ये लोग नुपुर शर्मा को राज्यसभा और विधान परिषद भेजने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग महिमा मंडन करते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको कि मैंने जो लाइन बोली कि जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपा इनका हो जाता है। अच्छा, आप एक बात ध्यान कर लीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब आदरणीय स्मृति ईरानी, जो उनको कम से कम एक मुखर होकर के अपनी बात रखनी चाहिए थी, और आप बताइए जब 2014 में उसके ऊपर केस था, तो आप 2018 में, अभी मैं आप ही की रिपोर्ट देख रहा था, क्योंकि मैं अभी बोलूंगा देख कहेंगे कि जो है ये रिपोर्ट इनके पास कहां से आ गई, पांच पांच गनर उसके पास चलते थे, जो एक उसका प्रोटोकॉल था, आज के टाइम में प्रोटोकॉल था उसका, और पूरे लोग एकदम जो है, मैं बताऊं तो सोशल मीडिया का धन्यवाद करना चाहिए इस देश की आवाम को, लोगों को, नहीं तो ये लोग तो पता है बहुत सारी न्यूज को दबा देते हैं। हंस रहे हैं क्यों आपकी इनकी? आप सोचिए अगर 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 ये सोशल मीडिया का मतलब समझे कर वायरल का पिक्चर नहीं होती, तो ये यही थाने में आम जनता जाती, आम महिला जाती, डांट के भगा दिया जाता। आज के टाइम में पूरे के पूरे थाने, मैं चैलेंज करता हूं नितिन जी, कभी कोई कांड भगवान ना करे आपके साथ में हो जाए, अगर बीजेपी के नेता के साथ अगर कोई अगर आपके साथ कोई घटना घट जाएगी, आप इन्हीं के मंत्री दिनेश खट्टिक अपना FIR लिखवा सकते हैं, तो ये क्या आम आदमी की बात करेंगे? ये लोग केवल और केवल प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, और आज के टाइम में सोशल मीडिया और आप लोगों की देन है कि उस श्रीकांत जी के ऊपर कार्रवाई, एक जो प्रेशर हुआ है जो कार्रवाई करने की, लेकिन वो कार्रवाई उचित समय पे नहीं हुई। अगर उचित समय पे होती तो एक महिला को शर्मसार नहीं होना पड़ता। आज पूरे देश में महिलाएं अपने आप को शर्मसार, बताओ एक इनके बीजेपी के एक नेता ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का नहीं है, आप मुझे बताओ कि कौन सा आदमी है जो मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा लेगा, कौन सा आदमी जो अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचवा लेगा, वो सामान्य आदमी थोड़ी होगा वो। शाही साहब क्या कह रहे थे? मैं इसलिए हंस रहा था कि अभी हमारे भाई ने कहा कि 2014 में वो पांच गार्ड लेकर चलता था, मेरे पास रिपोर्ट रखी है 14 में कहा आपने, 18 में मैं हंस रहा, 2018 में नहीं तो 14 में क्या वो पैदल घूमता था क्या? नहीं, 2014 में आपने बताया उसके FIR हुई थी सेक्टर 24 थाने में, 2012 में FIR हुई थी, 12 में आपकी सरकार, 2012 में, ठीक है मैंने ये कहा, ये मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन 2018 में पांच पांच गार्ड लेके चलता था, सरकार आपकी की थी। एकदम मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। विकास या दुबे जो मारा गया उसको सुरक्षा किसने दी थी 2015 से लेकर? और पीछे जाएंगे तो बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। गार्ड लेकर, सुन लीजिए, गार्ड लेकर चलता था, और जब भाजपा की सरकार आई 17 में तो उसको जेल भेजा हम लोगों ने। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग ना कहें, आज इन्होंने कहा जितना बड़ा दंगा है उतना बड़ा भाजपाई। भाई एक दंगा तो हुआ नहीं भाजपा के, जेल भेजा कि ऊपर भेजा, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। और दंगे वाले आप लोग हैं, मुजफ्फरनगर से लेके और लखनऊ तक सारे दंगे आपने कराए, तो दंगाई कहाँ है, भाजपाई कहाँ है, ये भी देख लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, मैं आऊंगा। सत्यजीत जी हमारे साथ हैं प्रेसपास से। सत्यजीत जी, आप सरकार की इस कार्रवाई को किस नजर से देखते हैं? कि आपको भी लगता है कि कार्रवाई में देरी हो गई, क्योंकि सपा को तो ये लग रहा है। वही अधिकारियों की है, कर्मचारियों की। जब आदरणीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात आई तो जितना फास्ट एक्शन लेना था और जितनी त्वरित कार्रवाई करनी थी उसको आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आप देखिए अगर कहीं पे कोई गलती हुई और लगातार अधिकारियों ने, ये चंचल यादव कह रहे हैं कि आपसे उम्मीद भी इसी तरह के बयान की थी, वो ठीक है, वो भी उनका अपना विचार है, अपनी सोच है, वो अपनी सोच शक्ति जितनी रखते हैं उतना ही बोलेंगे जी। अच्छा है, सोचना भी चाहिए, किसी के बारे में मंतव्य पहले निकाल देते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते जी। सर जी, कंटिन्यू कीजिए। ये दुख होता है, इसी बात का दुख होता है जो है। और आज की स्थिति में जब देखा जाए जी, तो अधिकारियों को जिन्होंने उसको प्रशय दिया, सवाल उन पर उठता है, लेकिन जब संज्ञान में आदरणीय योगी जी के आया तो उन्होंने कार्रवाई करने में हिचकिचाहट नहीं करती, हथौड़ा भी चला और जमींदोज भी किया गया, बुलडोजर जी। तो यह तय है कि अधिकारी चाहे जो कर रहे हो, चाहे जिस तरीके से कर रहे हो, सरकार कहने मतलब आदरणीय योगी जी अपने लिए जो जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं,
ये तो आप भी मानेंगे कि अपराधियों में भय है जी। अपराधी आज अपराध करने से थोड़ा बचना चाहता है, और ये भी सही है कि बड़े बड़े अपराधियों के छक्के छूट गए, ये भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए मैं फिर बार बार कहूंगा कि विपक्ष की भूमिका मैं भी हूँ और विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना जानता हूँ, कर भी रहा हूँ, लेकिन हर मुद्दे पर, हर मामले पर, हर नीति पे सरकार का विरोध करना ये भी उचित है। सरकार अगर अच्छा कदम उठा रही है, उसके कृतत्व या जो भी क्रियान्वयन हो रहा है वो अगर अच्छा है, तो हमें सरकार के किसी भी क्रियान्वयन का जो अच्छा हो रहा है उसका साथ देना चाहिए। लेकिन जनहित में अगर कोई मुद्दे ऐसे नहीं है जनहित के लिए ठीक हो तो उसका विरोध करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए त्यागी के मामले में अगर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी भी निश्चित है, आप ही डिबेट करेंगे तो कहेंगे गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ऐसा तो है नहीं। दो घंटे, चार घंटे, छह घंटे में उसको दबोच लिया जाए, सरकार या पुलिस के अधिकारी मुस्तैद है, गिरफ्तारी भी होगी, बिल्डिंग जमींदोज हो रही है, ऐसा नहीं है। जल्दबाजी में कोई काम अच्छा नहीं। चंचल यादव कुछ कहना चाह रहे सर? चंचल भाई देखिए, अभी जो हमारे प्रसपा के साथी बोल रहे थे, अभी मेरे ख्याल है कुछ दिन पहले ही, दो चार पांच दिन पहले ही मैंने चाचा जी का स्टेटमेंट देखा था कि जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेके बोला था चाचा जी ने। तो एक तरफ आप बता रहे हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस रखते हैं, तो इनका कंट्राडिक्शन है, मैं उन बातों पर ज्यादा नहीं आऊंगा। तो जब खुद पार्टी के बड़े, मतलब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है कंट्राडिक्शन पैदा करते हैं, तो बाकी प्रवक्ता साहब क्या बोल रहे हैं और ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। योगी आदित्यनाथ की तारीफ हमेशा की है आदरणीय योगी नाथ जी की, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लॉ एंड ऑर्डर हमेशा आदरणीय योगी जी को कहा है, योगी जी कहीं भी किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना योगी जी का काम नहीं है, और जीरो टॉलरेंस के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। अधिकारियों पे कमी उठाई गई है आदरणीय सुखपाल सिंह यादव द्वारा, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर कभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। आप किसी भी रिकॉर्ड को दिखा दीजिए। ठीक है चंचल भाई, जवाब मिल गया ना? देखिए ऐसा है कि आप, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद पिछला अभी मेरे ख्याल है 5-7 दिन पहले की ही था, उन्होंने कोई प्रेस में बोल रहे थे, उन्होंने स्पष्ट बोला कि जिस तरीके से जो है क्या नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी चीजों को जिक्र किया था, तो सारी की सारी चीजें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर ही आती है, उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात आती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ भी प्रश्न नहीं उठाया है, तो खैर आप जो बोल रहे होंगे सही बोल रहे हैं, उन बातों पर नहीं आऊंगा क्योंकि हमारा आपसे कोई वो नहीं है, आप भी भाई हैं। हो गया, ठीक है मैं आता हूँ। अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई सही समय पे हुई? नहीं देखिए, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए और कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है। अब रही बात समय की, तो जिस मुद्दे पर अभी तात्कालिक बहस है या जो तात्कालिक घटना हुई उस पर जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया है, मैं समझता हूँ ये तो सेटिस्फाइड है। हाँ, एक डिबेट जो बड़ी देर से चल रही है, जिसपे शुरुआत की जा रही है कि साहब ये शुरुआत में ही क्यों नहीं दबा दिया गया, और अगर स्टार्टिंग में ऐसा हो गया होता तो आज ये दिन ना आते, वो दिन ना आते, तो अब उस पर सवाल अगर आप उठाते हैं तो वो डिबेट का प्रश्न जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो साफ सुथरी छप की बात करती है, जो अपराध विरोध सरकार की बात करती है, जो अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और हमारे प्रवक्ता जी खुद ही बता रहे हैं भाजपा के कि 2012 में ही इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में, तो अगर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में जो है FIR दर्ज हुई, तो ऐसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी में आने का मौका कैसे मिल गया? ऐसे आदमी को बड़े बड़े मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलता है, आपके संगठन में भी उसको सदस्यता मिल जाती है। आप ही ने भी बताया इस प्रोग्राम में शुरुआत में कि वो कांग्रेस, वो किसान यूनियन का सदस्य भी रहा है, पांच पांच सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, जबकि जो सिक्योरिटी कॉल आया है वो यही है कि जब एप्लीकेशन दी जाती है तो बकायदा एक कमेटी बैठती है, रिपोर्ट कॉल अपॉन की जाती है कि ये आदमी जो सिक्योरिटी मांग रहा है इसकी छवि क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, इसके ऊपर इसको जान की जान का खतरा है या ये खुद दूसरों के लिए जान का खतरा है, ये दोनों ही रिपोर्ट आती है, मीनिंग देयर बाय कि ये अपराधी है या इसके ये कितने मुकदमों में मुद्दई है और कितने मुकदमों में खुद अपराधी है, तो ये चीजें रिपोर्ट लगती है, रिपोर्ट को कंसीडर करने के बाद तब सुरक्षा दी जाती है। अब पांच पांच गनर दी जा रही है, तो फिर जो ये इसके FIR थी, ये इतनी सारी FIR और अब तो गैंगस्टर लगाने की भी बात कही जा रही है, तो ये रातों रात एक ही घटना से आपको इतना बड़ा अपराधी दिखाई पड़ गया और अब तक आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहा था, ये एक प्रश्न जरूर है। मौजूदा घटना की बात है तो इस पे भी जब मीडिया ने किया है और ये सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुआ है, ऐसा नहीं कुछ नहीं है कि आज घटना हुई और तुरंत इमीडिएट वो महिला गई थाने और FIR तुरंत दर्ज हो गई और कार्रवाई शुरू हो गई, ये सोशल मीडिया पर चला है और मेरे ख्याल से अब एक या दो दिन के बाद
जब इनके सांसद महेश शर्मा जी वहां पहुंचे हैं और उन्हें फोन किया, उसके बाद ये FIR जहां तक मैं समझता हूं दर्ज हुई है, अगर मैं सही हूं तो बहुत ज्यादा मुझे डिटेल नहीं पता। तो सवाल ये है कि आप इंतजार कर रहे थे और जब ये एक सोशल हाइप बन गया, जब आपकी इमेज पर खतरा आने लगा तो आपने उसको दूर में से मक्खी की तरह निकाल के बता दिया कि ये तो हमारी पार्टी से नहीं, ये तो अपराधी है, इसका तो आपराधिक रिकॉर्ड इतने दिन तक है, तो अब तक क्यों नहीं था भाई? ये पांच पांच जनरल उसको मिला कैसे? ये इतना ज्यादा उसने सारी चीजें बना दी, वहां के सारे अधिकारी चुप मौन क्यों थे? अगर सत्ता का उसके ऊपर हाथ नहीं था तो इतना इतना जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, उसके बाद वो अवैध कब्जा करता है, नोएडा जैसी अथॉरिटी में जाकर के कब्जा कर रहा है, जमीनों को कब्जा कर रहा है। अभी आपने बताया कि 15 दुकानों से लगभग 8 लाख रुपए महीने की उसकी वसूली हो रही है। तो ये अगर शासन का सह नहीं है, सत्ता के लोगों का हाथ उसके ऊपर नहीं है, उसका आशीर्वाद उसके ऊपर नहीं है, तो ये संभव कैसे है? ठीक है, ठीक है, शाही साहब। देखिए, मैं राजनीतिक विशेषक महोदय को बताना चाहूंगा कि सुरक्षा के लिए 24 घंटे में रिपोर्ट मांग ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जिसने भी प्रश्रय दिया होगा, चाहे वो अधिकारी होगा या राजनेता होगा, उसकी भी समीक्षा की जाएगी और उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। तो जिसने सुरक्षा दिया वो उसकी भी जांच हो रही है, वहां के DMSP से रिपोर्ट मंगा ली गई है। इसकी चिंता आप लोग इसलिए ना करें क्योंकि अगर एक बात संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी की आ गई है तो वो कहीं कोई बच नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का हो, सपा का हो, कांग्रेस का हो, ये कहीं हिंदुस्तान के किसी कोने के किसी पार्टी का हो, अपराधी है तो वो उसका ट्रीटमेंट अपराधी की तरह किया जाएगा। उसने जो निंदनीय काम किया है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद जो उसके साथी गए सारे जेल भेजे जा चुके हैं और ये भी जेल, इसके 25,000 का इनाम हो गया, हो सकता है एक आध दिन में ये गिरफ्तार हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो अपराधी की तरह ही ट्रीटमेंट होगा इसका। ठीक है, ठीक है, सुभाष यादव जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, आप इस पूरी घटना को किस नजर से देख रहे हैं? क्यों महेश शर्मा जो वहां के सांसद हैं उनको ये कहना पड़ा कि मुझे शर्मिंदगी है कि उत्तर प्रदेश में सरकार है हमारी, इस तरह के बयान क्यों आए? और उसके बाद कल भी हमने देखा कि रात में वहां करीब 12-15 लड़के गए हुए थे जो उसके साथ के थे, ओमेक सिटी में उस महिला को ढूंढ रहे थे, पब्लिक अगर नहीं पकड़ती तो फिर एक बड़ी घटना हो सकती थी, क्या कहना है? नितिन जी, सबसे पहले तो यहाँ स्पष्ट कर दूं मैं कि श्रीकांत त्यागी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या किसी भी समुदाय से हो, किसी भी ताल्लुक रखता हो, आपराधिक अपराधी होता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की है ये अपने आप में काबिले तारीफ कदम है। क्योंकि इसके पहले जितनी भी डिबेटें आपने देखा होगा, जो बुलडोजर वाली कार्रवाई होती थी ना, तो उसके अंदर भी सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगते थे कि भैया एक धर्म विशेष को या पार्टी विशेष के लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों होती। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर की कार्रवाई श्रीकांत त्यागी के ऊपर करके दिखाई और ये स्पष्ट कर दिया कि अपराधी अपराधी होता है, उसके लिए वही कार्रवाई की जाएगी जो दूसरों के प्रति की जाती है। रही बात महेश शर्मा की, तो महेश शर्मा का जो बयान आया था, हो सकता है उनकी सरकार के प्रति उनका कठोर रवैया रहा हो या चीजें इस तरीके से हो गई जिसकी वजह से उन्हें अविनाश अवस्थी जी के पास फोन करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर न तो रौला चलता है न भोकाल चलता है, ये बिल्कुल वास्तविकता है। और ये स्पष्ट भी है कि जिस प्रकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं बिल्कुल वो ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अधिकारी हो सकता है कहीं ना कहीं बेलगाम हो जाते हैं तो उसके ऊपर भी लगाम लगने की तैयारी करी जाती है। यहाँ पे रही बात कार्रवाई करने की कि देरी हो गई या लेट हो गई, तो यहाँ पे 2012 का भी जिक्र हुआ था, तो 2012 के अंदर पहली बार श्रीकांत त्यागी के ऊपर अपराध दर्ज हुआ था, उस समय सरकार थी। गौर करने वाली बात है यहाँ पे, वहां पे सरकार थी 2012-17 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार। तो अगर यहाँ पे देर हुई तो 2012 के अंदर क्या जल्दी हो गया था क्या? सपा सरकार ने वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं की? सपा सरकार ने क्यों ढील दे दी वहां पे? तो शुरुआत तो समाजवादी पार्टी ने की थी ना, समाजवादी पार्टी की सरकार जो आज विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा की गलती है, तो शुरुआत आपको कर देनी चाहिए थी। अगर आप शुरुआत के अंदर अगर लगाम लगा देते तो ये नौबत ही नहीं आती ना, तो शुरुआत आपने की, आपको गलत देखना चाहिए पहले उसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी बोल रहे थे कार्रवाई का और अपराधियों की पार्टी में आने क्यों दिया जाता है। नितिन जी, अभी शायद पिछले साल की बात है, आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के अंदर सब जानते होंगे, वहां पे फूलपुर एक तहसील पड़ती है, वहां पे माहौल कस्बा पड़ता है, जहां पे जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके अंदर अपराधी का जो नाम आया था तो वर्तमान फूलपुर के जो विधायक है रमाकांत यादव जी का नाम आया था और इस समय जेल के अंदर भी है। अब अगर विपक्ष से पूछा जाए तो विपक्ष मालूम क्या बोलेगा कि हमारे नेता को साजिशन फंसा दिया गया, FIR कर दी गई,
ये हो गया वो हो गया, तो ये चीजें भी देखी जाती है। कोई भी पार्टी का कोई भी लीडर के पास अगर जाके कोई फोटो खिंचवा लेता है, किसी नेता के साथ जाके मिल लेता है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो पार्टी का आदमी है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जो इन्होंने कार्रवाई की थी, कार्रवाई बहुत त्वरित की थी। इसके पहले का जो आपने जिक्र किया था कि जो गोमती नगर के अंदर जो कांड हुआ था, उनकी बीवी ने जो FIR करवाई थी, यहाँ पे भी अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा अगर तेजी दिखाती तो शायद ये मामला इतना ना बढ़ पाता। लेकिन महिलाओं के जो सम्मान की बात आती है, मैं यहाँ पे महिला सम्मान की बात करूँ, और जिस प्रकार श्रीकांत त्यागी ने महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए, जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की, उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो एक चीज और है ना सर, कि अगर ये घटना ना घटती तो वो अभी भी इसी तरह से घूमता। देखिए नितिन जी, घटना अगर घटेगी तभी तो कार्रवाई होगी। हाँ। अगर घटना नहीं घटेगी तो कार्रवाई क्यों होगी? हाँ। यहाँ पे फिर वही बात आ रही कि जब घटना पहली बार उसने जब 2012 के अंदर की थी, हाँ। तभी अगर कार्रवाई की जाती तो शायद ये नौबत ना आती ना। हाँ। जब घटना घटेगी तभी कार्रवाई होगी। अब अगर मैं जब कुछ करूंगा तभी तो मेरे ऊपर FIR लॉन्च होगी ना, तभी तो मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी ना। क्या बिना वजह मुझे थोड़ी पुलिस परेशान करेगी, बिना वजह मेरे घर पर थोड़ी बुलडोजर चला देगी? तो जब कुछ होगा तभी उसके ऊपर FIR दर्ज होगी। ठीक है अभिषेक जी। जी हाँ, तो मेरी बात पर भी जो आप बता रहे थे जो घुमा फिर के बात, तो आपने भी वही कह दी जो मैंने कह दी कि साहब कार्रवाई अगर टाइम पर आप कर दी होते तो आज ये दिन क्यों होता था। आप भी कह रहे हो कि 2018 में जो घटना होता अगर उसी को भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया होगा। मेरी बात से थोड़ा सा आप थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के आपने वही बात कह दी। मैं फिर अपनी उसी बात पर दोहराता हूँ, आप ही ने कहा ना कि 2012 में हुआ था समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल नहीं कि समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है वो उसका जवाब देंगे, मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। और नहीं की कार्रवाई तो ये भारतीय, मैं समाजवादी पार्टी की भी निंदा करता हूँ, जो भी सरकार थी उसकी निंदा करता हूँ, वो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो किसी की रही हो, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। आपने यहाँ पे निंदा की थी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी मैं अपनी बात क्यों लेती? सुभाष जी अपनी बात करो, बिल्कुल मैं अभी भी उस वही कहने जा रहा हूँ, समाजवादी वही कहने जा रहा हूँ, जैसे लोगों को पार्टी में क्यों रखती है? उसको तो हत्याओं का केस लग चुका है ना, तो क्या वो भी उसको भी बोलिए ना आप, एज ए राजनीतिक विश्लेषक अगर आप समाजवादी पार्टी को, तो दोनों पार्टी को बोलिए ना, समाजवादी पर्टिकुलर एक ही पार्टी को टारगेट क्यों करेंगे? अपराधी अपराधी होता है। मैं बोलूं? बिल्कुल, अगर आप सामने रहे तो वैसे की बात आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी को तो ऑलरेडी गुंडों की पार्टी का टैग लगा मिल ही चुका है, हर किसी ने दे दिया है और जनता ने नकार दिया है, तो समाजवादी पार्टी की बात क्यों करें हम? आप कीजिए, आपको करना है, आपको चूंकि समर्थन भी दिखाना है और विरोध भी करना है क्योंकि एक बैलेंस तरीके से, तो आप कीजिए, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। क्योंकि मैं सरकार से सवाल पूछता हूं, अगर आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो सवाल समाजवादी पार्टी से पूछा, जब गायत्री प्रजापति का कांड हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार के लोगों से सवाल पूछा गया था, ना कि बीजेपी से। इसलिए आप हमें यह मत बताइए कि किससे सवाल पूछना चाहिए और किससे नहीं, ये मैं बहुत बखूबी जानता हूं। सरकार जिसकी है जवाबदेही उसकी है, ठीक है। 12 में रही होगी, गुंडों की सरकार है, मैं खुलेआम कहता हूँ अखिलेश यादव गुंडों की सरकार है, मैं तो कह रहा हूँ। अब आप भी कहिए या ना कहिए, आपकी अपनी मर्जी, चंचल यादव ठीक है, लेकिन सवाल यह है, चंचल जी एक मिनट, सवाल यह है कि 12 में जो पार्टी गई जिसके समय एक FIR लिखी गई, उसके बाद वो आदमी जिसके ऊपर FIR थी 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के साथ जुड़ गया, उसको पार्टी में जोड़ा गया, उसका महिमा मंडन किया गया, आपने कहा ना कि उसको पद दिए गए पार्टी में, बकायदा कई सारे नेताओं ने भाई फोटो खिंचाया, जाहिर सी बात है, तो उसको आने मिला आपके यहां तक, आपके वहां तक मेरी फोटो तो नहीं है किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ, ना समाजवादी पार्टी के नेता के साथ, स्वागत किया, फोटो खिंचाया, जो कुछ भी किया, मैं उससे सवाल नहीं है, और गनर भी दिया उसको, सुरक्षा प्रोवाइड कराई। मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ, जब सुरक्षा दी जाती है तो यहाँ सेक्रेटरीट में बकायदा एक कमेटी होती है 5 सदस्य की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी होम भी उसका जो चेयरमैन होता है, रिपोर्ट DM देता है, उसके बाद यहाँ की कमेटी तय करती है कि इनको सुरक्षा की जरूरत है या नहीं है, और उसके बाद सुरक्षा दी जाती है। तो ये 2018 में जब सुरक्षा दी गई थी, वो क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सरकार ने दी थी? क्या सिर्फ एक मुकदमा ही था 2018 में? सिर्फ एक 12 का ही मुकदमा, और मुकदमा नहीं दर्ज होता उसके खिलाफ? तो आप जो सुभाष यादव जी जो बात कह रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा समझ के कहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा आपको कोई विरोध नहीं है, ना मेरा आपको कोई प्रेजेंटेशन है, और ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, चंचल यादव क्या कह रहे हैं, ये सब लोग मिलके आपको टारगेट करने क्यों लगे? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि सुभाष जी ने एक बात का जिक्र किया था अभी आदरणीय रामाकांत जी के बारे में, जो आपने बताया कि जो है क्या नाम है, जहरीली शराब को लेकर के सरकार ने खुद उस समय जब जहरीली शराब का कांड हुआ था, सरकार ने खुद जांच कराई थी उसको, मतलब से मेरा ख्याल 7-8 महीने हो गए उस कांड को हुए हुए, उसमें कहीं भी आदरणीय रामाकांत जी का कहीं भी कोई नाम नहीं था। लेकिन बिला वजह, चूंकि है क्या कि जैसे कि बिला वजह एक जो जो रमाकांत जी हैं, एक पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं और एक बहुत बड़े चेहरा हैं, लोगों को जो मतलब लोगों की एक बेहतरीन उनकी अपील है, लोगों को जोड़ने की बहुत बेहतरीन अपील करते हैं वो, इसलिए लोग उनको टारगेट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सुभाष जी, आप मुझे बताइए कि जब
आपके अभी देखिए बीजेपी के एक मंत्री को जो है कोर्ट में जो है उनको जब अपराधी साबित किया जाता है कि आपको जेल जाना है, पूरी फाइल लेके भाग जाते हैं। और हमारे नेता को 14 दिन के अंदर सरेंडर होना था, और हमारे जो क्या नाम है रमाकांत जी को, और वो 14 दिन के पहले ही जाके सरेंडर हो गया, यानी पुलिस ने भी अपनी जो कार्रवाई करनी थी। उसके बाद उनके ऊपर फर्जी कई सारे केसेस, फर्जी कितने सारे केसेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, सुभाष जी जानते हैं, इसलिए हंस रहे चुके उसी जिले से आते हैं। नहीं, नहीं। उनके उनके बारे में एक ही चीज जानते हैं ये, वो आजमगढ़ जिले से आते हैं, और रमाकांत जी को जिस तरीके से फंसाया जा रहा है, और मैं आपको बताऊं ये सब लोग जानते हैं। उनके पास आज के टाइम में देखिए, मैं कह रहा हूं कि आपकी वो फाइल तब क्यों नहीं खुली थी जब वो क्या नाम है चुनाव चल रहा था, उस समय कार्रवाई चल रही थी पुलिस की, क्यों नहीं कार्रवाई करी उस समय? लेकिन अब जो जब जब उनको 1998 का एक मैटर खोल करके उनको जेल भेजा गया, मैं वही बात बताने जा रहा था, पूरी बात करूं, अब से की बात जवाब दे दूं। दूसरी बात आ गई गुंडों की, बात आ गई, आप मुझे बताइए जो आज के टाइम में आप गुंडों की पार्टी की बात कर रहे हैं, आप एनसीआरबी की डेटा की बात करिए ना, आप आज के टाइम में आप बहुत सारे मामलों में अगर आप डेटा की बात करेंगे, जो एनसीआरबी की डेटा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही आता है, वो हमारी सरकार नहीं देती है, कोई पर्टिकुलर कोई आदमी पर्टिकुलर नहीं बनाता है, लेकिन उस सब डेटा की अगर बात करेंगे तो आप 2012 से लेकर 17 तक अगर आपराधिक रिकॉर्ड देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के मामले में, चाहे कस्टोडियल डेथ का मामला हो नंबर वन है, चाहे महिला के ऊपर अपराध का मामला हो, चाहे जो क्या नाम है महिला उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो क्या नाम है आपका अपहरण का मामला हो, चाहे वो क्या नाम है फिरौती का मामला, बहुत सारे ऐसे केसेस में जहां उत्तर प्रदेश जो है लमसम 2012-17 में कई सारे मामलों में नंबर वन है, आज के टाइम में पूरे देश में नंबर वन है कई सारे मामलों में। अभी देखिए कल इटावा के कांड है, कस्टोडियल डेथ हुई है, और पुलिस ने आनन फानन में जो है अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया परिवार को, और आपको ध्यान होगा हाथरस की घटना होगी, एक बहन को जो है उनके परिवार वालों को जो है अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को बाद में हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन क्या उन बातों का जिक्र करेंगे अब से जी? कम से कम एक तरफा बातें नहीं होनी चाहिए, जब आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो कम से कम आप ये बात कैसे कह सकते हैं? आप बगैर की डाटा के बारे में बोल देंगे, जैसे बीजेपी के नेता लोग झूठ बोलते हैं। बात को सुनो, मैंने कहा कि इनको तो गुंडों की पार्टी का टैग मिल चुका है, मैंने ये बात कही और इनको जनता ने नकार दिया। आप मेरी बात को पर्सनल ना ले, और रही बात रहे तो मैं भी इस बात को जानता हूँ, उसको कहने जरूरत नहीं, और मुझे ये भी पता है कि जितने नहीं सदन के अंदर जितने नेता है आपराधिक छप के जितने नेता है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के। करेक्ट, आज के टाइम अगर पता है, आज के टाइम अगर आप देखें कि जितने भी जो भी गुंडा मवाली जो भी बीजेपी में जाके ज्वाइन कर लेता है, इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जो धूल करके साफ हो जाता है? ठीक ठीक, आप बताए पूरे देश में जितने विपक्षी पार्टियां हैं, जितने विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, सबके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, विजिलेंस की जांच चल रही है, इनकम टैक्स की जांच चल रही है, क्या इनके बीजेपी के नेताओं के अंदर जांच नहीं होनी चाहिए? आप देखिए कभी इनके मंत्री ने दिनेश खट्टिक ने स्पष्ट कहा कि खुद FIR लिखाने के लिए उसको धरने पर बैठना पड़ा, इनकी पुलिस है, आप मंत्री की सुनवाई नहीं है, आम आदमी अपनी बात कहां कर सकता है? ठीक है, आम आदमी को सुनवाई हो सकती है क्या? मैं वही मैंने बोला अभिषेक जी, मैं चैलेंज करता हूं किसी दिन कोई घटना आपके साथ घट जाएगी तब आपको मालूम चलेगा कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैसी है। ठीक है, सुभाष जी यादव जी को बताइए मुझे, मैं इनको बता रहा हूं, सुभाष जी को बता रहा हूं, आपको उस दिन मालूम चलेगा कि आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं ये सबसे बड़ी जातिवादी सरकार है आज के टाइम में। आप देखो पता नहीं कितने ना जाने जो है कई सारे जातिगत, अभी देखिए आप IAS के जो है बेचारे 5-5-6-6 साल से बेचारे जो कैडर लाट नहीं हो पाया है। ठीक है, हम राजनीतिक विश्लेषकों का यही दुर्भाग्य है। ठीक है, हम अगर सही भी बात करें, अगर सत्ता के पक्ष समाजवादी पार्टी के ऊपर गुंडों की पार्टी का टैग लग चुका है, और आपने ये भी बोला कि आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो एज ए राजनीतिक विश्लेषक जब आप बैठेंगे ना तो आप पर्टिकुलर एक ही पार्टी को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन आपने उस बयान में ये नहीं बोला कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी गुंडे लोग शामिल हैं। क्यों बोलूं मैं? तो ये क्यों, सरकार जिसकी होती क्यों नहीं बोलेंगे? आप गलत बात कर रहे हैं, ये जो राजनीति है समझे आप, यहाँ पर समझे नहीं आप, सवाल आ रहा है सवाल सरकार ये जो राजनीति सरकार जिसकी होगी उसके सवाल ये जो राजनीतिक विश्लेषक आपका स्टैंड होना चाहिए, आप पर्टिकुलर एक ही पार्टी रेट करेंगे, यानी कि आप चापलूसी कर रहे हैं, आप दोनों पार्टी को देखना चाहिए। ठीक है, प्लीज आगे चलने दीजिए भाई, हो गया, ठीक है, प्लीज अभिषेक जी, सुभाष जी, प्लीज हो गया भाई, हो गया आप लोगों का, ठीक है, प्लीज हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। नहीं नहीं बात सही है, लेकिन यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ जिसकी भी सरकार है सवाल उससे पूछना वो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि राजनीति में सबसे ज्यादा अपराधी इस तरह की अगर हम एक आंकड़ा देखें तो वो भी एक अहम बात है। शाही साहब, नितिन जी देखिए, अभी हमारे सपा के प्रवक्ता ने एक अपराधी जिसको कोर्ट ने जेल भेजा है उसको माननीय रमाकांत यादव जी सम्मान, तो इससे पता चल गया कि अभी जो है मिश्रा जी ने जो कहा गुंडा पार्टी वो गुंडा पार्टी। अभी आप भी शामिल हुए होंगे ब्रिजेश सिंह के जो यात्रा। अरे रुक जाइए। दूसरा जो जहरीली शराब का जिक्र सुभाष जी ने किया था वो किसकी दुकान से बेची गई थी? रमाकांत यादव का भांजा रंगेश या इसे कुछ नाम है, एकदम झूठ खबर है। गई किसके संरक्षण में बेची जा रही थी? एकदम रमाकांत यादव के संरक्षण में बेची जा रही थी। आप सही जी नाम आ गया, 31 आदमी का नाम है, एकदम गलत है, उसमें रमाकांत यादव भी है। ठीक है, तीसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आप आंकड़े का खेल खेल रहे हैं तो जब अध्यक्ष बने थे अखिलेश यादव जी तो कितने थाने फूके गए थे, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। डेटा निकालिए, बात करिए साई जी, डेटा निकालिए एनसीआरबी का, उसमें दिखाइए। भाई हमारे बोलिए ना, बगैर ऐसे झूठ बोल के नहीं बात कर सकते आप। चंचल जी, जो आपको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, एक झूठ को 100 बार आप बोलोगे सही हो जाएगा, कतई सही नहीं होने वाला है। आप डेटा पे बात करिए, जो एनसीआरबी का डेटा उसको निकालिए, उससे बात करिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। एक चैनल बैठे आप हैं, कोई सोशल मीडिया पर नहीं बैठे हैं कि कुछ भी बोल देंगे आप। ठीक है नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे भाई, कुछ भी कैसे बोल नहीं बोल देंगे, नहीं कैसे कुछ भी बोलेंगे। आप डेटा निकालिए, बात करिए, बगैर डेटा के मैं बात नहीं करता हूँ। आप डेटा निकालिए, बात करिए, मेरे पास सारे डेटा है, आप जाकर निकालिए ना, कैसे बोलिए। मैं जो बात कर रहा हूँ डेटा बताइए, आप बताइए कस्टोडियल डेथ में नंबर वन आप है कि नहीं है, कौन भूला है, आप सुनिए, गायत्री प्रजापति को कौन प्रश्न देता था, किसी भी व्यक्ति के डेथ होती है समझिए सरकार उसकी हत्या करा रही है। मुजफ्फरनगर के दंगे से लेकर मुजफ्फरनगर का दंगा कोई नहीं भूल सकता है, मुरादाबाद का दंगा कोई नहीं भूल सकता है, सारे दंगे आप लोगों ने कराए थे प्रभु, मैं बता रहा हूँ। आप डॉक्टर भेजेंगे उनको, पूरे देश में दंगा कराया अभी नूपुर शर्मा ने, और आपकी आदरणीय है वो। देखिए आप नूपुर शर्मा की बात ले लीजिए, अभी आप लोगों ने, अभी आप ही ने कहा कि नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो एक आपने क्या कार्रवाई करी, नहीं था आपने क्या कार्रवाई करी, आप कार्रवाई उनके ऊपर करते हो। प्रोफेसर रतन लाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी, उनको जेल भेज दिया था आपने, और नूपुर शर्मा के ऊपर आपने कार्रवाई क्या किया, आप मुझे बताइए ना, ये डबल चश्मा आपने क्यों लगाया? मैं इनको भी अब बहस में ना बोलने दूं। हाँ, बोले डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाई? अगर नहीं नहीं अगर ये चाहे चंचल यादव तो मैं बहस को डिरेल करूं, मैं भी चिल्लाऊं, ये भी चिल्ला है, बात खत्म। नहीं नहीं तो आप बात करिए, ये समाजवादियों के पेट में दर्द क्यों होता है नहीं समझ में आता है, जब इनको गुंडा पार्टी कह दिया जाता है। झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकते, अच्छा अच्छा चलिए झूठ मत बर्दाश्त करिए, सही बात करिए, बात करिए। आप एक बार सुनिए, मैं सब डेटा से बात कर रहा हूँ चंचल यादव जी, और सुन लीजिए, माननीय नेताजी को मंच पर बेइज्जत करने वाला कौन था? वो गुंडई कहाँ भूलेगी, कोई पार्टी भूलेगी? आप कहिए उसका भी डेटा निकाल के दूं, दुनिया गवाह है। आंसू रो रहा है आजकल, एक बार उनके हाल चाल ले लीजिए, बेचारे हमारे जी हमारे आदरणीय शाही हमारे रहे हैं, शाही साहब उनके बारे में हाल चाल ले लीजिए, आंसू रो रहे हैं चंचल भाई। हाँ शाही साहब, आप जवाब दीजिए ना, आडवाणी साहब ने क्या किया? देखिए आडवाणी जी के साथ, अरे आडवाणी जी तो हमारे मार्गदर्शक है भाई, आपने तो उनको नहीं बुलाया, उनकी भी हालचाल नहीं। आपने मंच पर किस तरीके से बेइज्जत किया नेताजी को, तो देश के अच्छे नेता हैं, उनके बारे में भी कुछ बोल दीजिए उनके बारे में कुछ। देखिए गुंडा पार्टी इस तरीके से, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो जीरो टॉलरेंस है उसका मुकाबला समाजवादी पार्टी कभी नहीं कर सकती। आपने देखा होगा, और आरोप आप लोगों का लगा, आप लोगों को करारा तमाचा लगा है आज, जब बुलडोजर चला है उसका त्यागी के घर पे, आप लोगों को करारा तमाचा लगा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने वालों, देख लो कि कोई भी हो बुलडोजर से नहीं बचेगा। साही जी, बुलडोजर की बात आप कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से त्यागी जी ने पूरा कांड किया है, उसके बाद पूरा सोशल मीडिया का अगर इतना प्रेशर ना होता, आज हमारे जो कुछ मीडिया चैनल जो लोग डिबेट ना करते उन सब चीजों के ऊपर, तो शायद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मैं बता दूं आपको,
आपके एक मंत्री थे दिनेश खटीक, जिन्होंने स्पष्ट कहा उनको धरने पे बैठना पड़ा तब जाके पुलिस FIR करी है। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर सोशल मीडिया का दबाव नहीं तो आप कार्रवाई नहीं करते, सच्चाई ये है। आप समाजवादी पार्टी के कारनामे, नहीं नहीं आप एक बात, जवाहर यादव ने जब एक DSP को मार दिया था तो क्या किया था आप लोगों ने? नहीं तो क्या क्या किया था जरा बताएंगे, क्या हुआ था? आप पूरी जानकारी है आपको घटना की? आपको नहीं है? नहीं आप बताइए ना, क्या अमरीश यादव कांड में क्या हुआ था, क्या हुआ था बताए, खुल के बताइए। सब लोग जानते हैं, मिश्रा जी भी राजनीतिक विश्लेषक है, नितिन जी भी जानते हैं, सुभाष जी भी जानते हैं, क्या हुआ था? देखिए आप दिनेश खटीक का वो इसे करेंगे त्यागी जी के ऊपर, बात सुनिए, बगैर त्यागी जी मत कहिए, बगैर त्यागी अपराधी है, वो भागा हुआ है, त्यागी जी और रमाकांत यादव को माननीय कहके मत अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करिए। और उसके ऊपर मुकदमा हो गया था तीन दिन पहले मुकदमा कर दिया था आपने सोशल मीडिया से पहले जी, पता कीजिए जाके। 15 गुंडे कल रात में पहुंच गए थे शाही जी, ये आप सारे अंदर हैं, सारे अंदर हैं, ये हनक आपके हो तो वहां पे सोसाइटी के सारे अंदर है प्रभु, नहीं तो कोई बहुत बड़ा कांड हो सकता था। अच्छा आप सिर्फ एक बात मैं पूछूंगा, उसके बाद मैं सवाल नहीं पूछूंगा। 12 से 17 के बीच और 17 से 22 के बीच आप बता दीजिए कि आपका शासनकाल और हमारे में अपराधी तख्ती लेकर थाने में पहुंचते थे, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मैं अब कोई अपराध नहीं करूंगा। हम कह रहे हैं जो अपराधी सत्ता में आ जाएंगे, आपके शासन सत्ता की आप लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि अपराधियों को प्रहर देने का काम समाजवादी पार्टी करती थी, अखिलेश यादव करते थे, अपने साथ लेकर गायत्री प्रजापति को घूमते थे, मैं जवाब दे रहा हूं, पर सुप्रीम कोर्ट जब उनको लेकर कहती थी कि आप इनको बंद कराओ तो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव लेके घूमते थे, यादव सिंह को क्या करते थे आप लोग, अनिल यादव को क्या करते थे, सारे अपराधी आप लोगों ने पास रखे थे। और जातिवादी पार्टी का आपकी पार्टी की नींव ही जातिवाद पर पड़ी है प्रभु। ठीक है चंचल भाई कुछ कह रहे हैं जल्दी से बोलिए। देखिए शाही जी मुझे आप ये बताइए कि आप जो बता रहे हैं, जो हमारे आप अपने पार्टी के नेताओं के बारे में सोच लीजिए ना, आपके डिप्टी सीएम के ऊपर कितने आपराधिक केस है पता है आपको? आपको जानकारी है? शायद जानकारी कर लीजिएगा। और बहुत सारे केस मैं बताऊं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे केसेस हैं, क्या आपको आपको उसके बारे में जानकारी है? क्या उनके बारे में खत्म हो गए भाई, क्या बात कर रहे यादव जी, मुकदमे खत्म हो गए? खत्म किया हिंदुस्तान के इतिहास में किसने खत्म किया आप बताओ? वही कहावत है ना कि सैयद आप लोगों ने जो फर्जी मुकदमे लगाए थे, आप मुझे बताइए ना, सपा के सरकार में फर्जी मुकदमे लगे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर? कुछ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, सुनिए, जब दंगाई सत्ता में आ जाएंगे, केस नहीं लगा था तो दंगा आजम खान आपके नेता है, कितने केस है बताइए? हमने पूरे देश में दंगा कराया, आप मुझे बताइए ना, पूरे देश में दंगा हुआ, आप बताइए क्या नाम है वहां का, जो सोनभद्र के अंदर दंगा हुआ, कानपुर के अंदर दंगा हुआ, आपका जो अगर आपको ध्यान हो शायद तो कहीं दंगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कहीं दंगे नहीं हुए, कहीं दंगे नहीं हुए, अपने स्टेटमेंट में ठीक करिए, कहीं दंगे नहीं हुए, सत्यजीत जी के पास किस जिले में कहां कहां दंगे हुए? चंचल भाई, सत्यजीत जी, और आपके मंत्री का बेटा जो है सरेआम लोग आम आदमी आम किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है? जेल में है भाई, जेल में है, कानून अपना काम कर रहा है, उसके पिताजी माननीय हैं आपके, प्लीज ठीक है ये भी ध्यान रखिए, ठीक है सत्यजीत जी, माननीय थे हैं और रहेंगे, शाही साहब ठीक है सत्यजीत, माननीय थे हैं और रहेंगे, ठीक है, यही तो डबल स्टैंडर्ड है भाई आप लोगों का, ठीक है प्लीज। सत्यजीत जी मैं ये कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी कह रही है बार बार, चंचल यादव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो आपराधिक छवि के लोग हैं वो सत्ता में है इस वक्त। देखिए नितिन जी, स्पष्ट कर दूं कि ज्यादातर पार्टियों में अपराधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो दूध की धूली हो। और मेरा अपना मानना है कि छोटी पार्टियों में तो अपराधी कम हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों में ज्यादा अपराधी तो अपराध के लिए कोई पार्टी ये कहे कि हमारे यहाँ अपराधी नहीं है, आपके यहाँ अपराधी है, तो ये तो गलत है। और अपराध का जो है ब्यौरा, देखिए किसी के ऊपर राजनीतिक अपराध लगे हैं, कहीं धरना हो रहा था, कहीं प्रदर्शन हो रहा था, कहीं आंदोलन हो रहा था, तो वो भी अपराध की श्रेणी में ही आ गया जब FIR दर्ज हो गया। तो अपराध में क्यों, किस स्थिति में अपराध दर्ज हुआ है सबसे महत्वपूर्ण ये होता है, उसके सर्कमस्टांसेस कौन थे, परिस्थितियां कौन थी। अपराध का मतलब सीधे अगर 302 में इन्वॉल्व है, उसने किसी को जो है किसी की हत्या कर दी है, तो अपराधी माना जाएगा।
बहुत नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर तमाम अपराध हैं, लेकिन सब राजनीतिक अपराध हैं। राजनीतिक जन आंदोलनों के लिए उन्होंने आंदोलन किया, जनता के लिए उसमें अपराध दर्ज। सरकार के एक मंत्री, उनके ऊपर गिट्टी चोरी का भी मुकदमा है। वही तो मैं बता रहा हूँ, कहीं गिट्टी चोरी का बेचारे वो भाग जाते हैं, कोर्ट से भाग जाते हैं, कोई मतलब सम्मान भी नहीं करते हैं। और एक साहब को तो सजा हो गई तो फाइल लेकर भाग गए। नहीं ठीक है, देखिए इस तरह कमेंट मत कीजिए, अपने साथ वापस लेता हूँ। अगर जानकारी मीडिया ने गलत दी है तो चले थे सारे के सारे पेपर में, कोर्ट में हाजिर हुए, कोर्ट ने उनको सजा दी है 1500 रुपए की और शायद कोई कारावास दिया है। जमानत भी हो गई और दो दिन पहले कांड हुआ था। नहीं तो आप न्यायपालिका पर भी सवाल उठाना चाहते हैं क्या? नहीं, न्यायपालिका सवाल नहीं है, न्यायपालिका ने उठा रहे हैं, दो बार उठाया न्यायपालिका ने, तो दो बार उठाया आपने रमाकांत यादव के मामले में उठाया और इसमें कि उनका एक साल पहले का उनको जेल भेज दिया गया, न्यायपालिका पर मुकदमा करिए, कई सारे केस जो है पिछले खोले जा रहे हैं शासन के द्वारा फंसाया जाता है। अतवारा साहब पूरी बात कर लीजिए अपनी। अतवारा साहब को ऑडियो नहीं मिल रहा, प्लीज सही कीजिए। महिलाओं का अपमान किसी ने किया तो गलत है, सही से पूछा जाए जो है तो श्रीकांत त्यागी ने बहुत ही गंदा बड़ा निंदनीय काम किया है। ये तो ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है, साधु संन्यासियों का देश है। यहाँ तो कहा गया है कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो यहाँ तो वैसे भी सम्मान करना चाहिए था, लेकिन बड़ा गलत हुआ। लेकिन देखिए फिर गलत काम किया गया तो उसमें कार्रवाई भी हो रही है, कार्रवाई किस पर हो रही है? जैसा कि अगर विपक्ष में भी अगर मैं आरोप लगाऊं कि योगी जी कार्रवाई नहीं करते अपने लोगों के ऊपर, ये गलत हो जाएगा। अगर उन्होंने अपने लोगों पे कार्रवाई की तो आरोप लगा दूं कि नहीं देर से कार्रवाई की थी, ये गलत हो जाएगा। मतलब हमें जब घेरना है तो चाहे जिस दिशा से घेरें, कहने का अर्थ हुआ कि बेवजह में नहीं घेरना चाहिए। अपराध जब कारित हुआ, अपराध के बारे में जब पता चला तो योगी जी ने उससे तुरंत कार्रवाई की। और यही नहीं, एससी होम में जो है ऑपरेट किया उसको पूरी तरह। तो ये अतवारा साहब, ये आपके साथ ही क्यों बार बार कह रहे हैं सपा से कि कार्रवाई बड़ी देर से हुई है, बड़ी देर से हुई है? देखिए देर क्या जो है, देर देखिए सवाल इस बात का नहीं कि देर से हो रही है, जैसे पता चला कार्रवाई तुरंत शुरू हुई। हम मैं तो बार बार कहता हूँ कि अपराध का ग्राफ घटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं विपक्ष में हूँ तब मैं बोल रहा हूँ। ये समाजवादी पार्टी से कह रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए इनको पता नहीं है, हमारी बात सुन लीजिएगा तब बोलिएगा। साहब रिकॉर्ड की बात करिए, सुन ले भाई साहब, सुन ले यार, बोलने तो थोड़ा सा बोल लेने तो, मुझे भी बोल लेने दो। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है 20-21-22 की रिपोर्ट, कब की रिपोर्ट बता रहे हैं? 19-20 की रिपोर्ट आई है, 21-20 की रिपोर्ट नहीं आई है, चुनाव के पहले की रिपोर्ट बता रहे हैं। अगर मान लीजिए एनसीआरबी की रिपोर्ट सही थी तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने इनको क्यों पसंद किया था। आप बताइए क्या 21-22 की रिपोर्ट आई एनसीआरबी की? नहीं आई। बार बार एनसीआरबी का तथ्य ले रही है, एनसीआरबी की 19-20 की रिपोर्ट के आधार पर बात कर रही है, और एनसीआरबी की 19-20 की रिपोर्ट के आधार पर जब बात कर रही है, अतवारा साहब भी बोल जा रहे हैं कि आप 2017 से पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पार्टी में ही एक बड़े मंत्री भी थे। आपके पार्टी में मंत्री नहीं थे, समाजवादी पार्टी का स्थापना आदरणीय सुभाष सिंह यादव ने की थी, माननीय मुरारजी यादव ने की थी। आपकी क्या हैसियत आदरणीय सुभाष सिंह? आप आदरणीय सुभाष जी को भी दुख पहुंचा रहे हैं, आप जैसे आदरणीय सुभाष जी को भी दुख पहुंचा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि आप बीजेपी में भगत आपकी नहीं होगा। अरे आदरणीय सुभाष सिंह वो शख्सियत है जिन्होंने समाजवादी पार्टी के एकदम एकदम मैं भी मानता हूं यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की, लेकिन आप जैसे लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय सुभाष सिंह यादव को आरोप लगा रहे हो, क्या बात करते हो? आरोप आप लगा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। 1900 अरे चंचल यादव है समाजवादी पार्टी से। 4 तारीख को स्थापना हुई, स्थापना काल में किसने स्थापना की? आदरणीय सुभाष सिंह यादव, आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने। आज जब बैठे हो ना तो आदरणीय सुभाष सिंह यादव, आदरणीय मुलायम सिंह यादव की देन है। प्रश्न करते हो, शर्म नहीं आपकी? प्रश्न करते हो, वही तो मैं करो शर्म आपको आनी चाहिए कि आप सिपाही को सवाल उठा रहे हैं, उनके सरकार को सवाल उठा रहे हैं, उस समय शासन में थे। मैं आप सवाल मेरा आपसे नितिन जी, पहले बात ही समझ जैसे ही साथ समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई स्काइप पे साथ सुनाई नहीं दे रहा है। सत्यजी जी चंचल यादव क्या कह रहे हैं, कुछ कहना सही से उस सवाल को सुनिएगा और गुमराह होने की जरूरत नहीं, साफ से सुनिए। पहले मेरा ये कहना है कि आप 2012 से लेके सुनिए, आप 2012 से लेके 2017 तक सरकार आपकी थी, आप साथ में थे हमारे, थे कि नहीं थे? तो क्या क्या दिक्कत है?
तो फिर मेरी बात सुनिए ना, तो फिर आप उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, आदरणीय शिवपाल जी के ऊपर भी सवाल आप उठा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या उठा रहे हैं आप उठा रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप ही जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं ना, आप ही जैसे लोग जो है गुमराह कर रहे हैं। जब मेरी सरकार थी, और सुनिए मैं आपको बता दूं 2021 की भी एनसीआरबी की डेटा आ गया है, उसको भी चेक कर लीजिएगा, अपडेट रहिए, डेटा आप बताओगे, अपडेट रहिए, करता रहता हूँ डिबेट करता रहता हूँ, डेटा हमें आप बताओगे। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जब सत्ता में थे, जब सरकार में थे, यही कमेंट तो आपका अच्छा है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, कोई आरोप नहीं लगा, और सख्त सरकार चली है। आप बता दीजिए कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के ऊपर कोई आरोप लगाओ। अरे आरोप तो आप लगा रहे हो सत्यवीर जी, आरोप आप लगा रहे हो। अरे आप 2012 से 17 तक सरकार थी, साथ में थे, हम सब लोग साथ में थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय शिवपाल जी भी मंत्री थे, आप आरोप उनके ऊपर लगा रहे हो, आप बातों को घुमाना क्यों रहे हो? ठीक है भाई, हो गया, आप बातों को घुमा रहे हैं, सत्यजीत जी आप बातों घुमा रहे हैं, ठीक है, जाएंगे शायद उस तक क्लास भी लग जाए। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव बेदाग है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव का चरित्र साफ है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव दोहरे चरित्र के नहीं है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जो कहते हैं उसको करते हैं। ठीक है द्वारा साहब, ठीक है आप सवाल ही नहीं, ठीक है द्वारा साहब, समय कम है थोड़ा। सुभाष जी आप कोई डेटा वेटा निकाल रहे थे क्या? जी मैं डेटा निकाल रहा था, चंचल बयान उस समय ये बात बोली थी कि रमाकांत यादव जी को साजिशन फंसाया गया था, वही चीज मैं बार बार बोल रहा था कि जब एफआईआर लॉन्च होती है तो एफआईआर एक पहली प्राथमिकता प्रक्रिया होती है, उसको सजा देना, अपराधी होना न होना वो न्यायालय तय करता है। यहाँ पे आपने फट से बोल दिया कि साजिशन फंसाया गया, और यहाँ पे राकेश सचान जी का जिक्र हुआ था जो बार बार बोल रहे मंत्री चले गए, मंत्री एक्चुअली गए नहीं थे, खैर ये वायरल जो चीजें हो रही पता नहीं कहाँ से डाटा ये लोग लेके आए, इनको पता है, और उसके बाद में माननीय न्यायालय ने उनको अगर जमानत दिए तो उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं बार बार। तो सबसे पहले तो विपक्ष ये तय करे कि फंसाया जा रहा वो गलत है, न्यायालय उनको बरी कर रहा वो गलत है, क्या बातों गलत। दूसरा ये है ना, चंचल जी राकेश सचान जी, चंचल जी छोड़ के भाग गए, दूसरा ये इतनी देर से आंकड़े की बात कर रहे थे, अभी मैंने गूगल सर्च किया एनसीआरबी के आंकड़े थे, उसके अंदर भी 2022 के जून तक का बताया गया है प्रति 1,00,000 व्यक्ति के ऊपर अपराध की दर, उसके अंदर उत्तर प्रदेश 24वें नंबर पर है, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं ये मामले में, ये पूरा अपराध दर की बता रहा हूँ, 1,00,000 व्यक्तियों के ऊपर जो अपराध दर होती है 1,00,000 व्यक्तियों के ऊपर, उसके अंदर उत्तर प्रदेश 2400 नंबर पे है। आप बार बार आंकड़े की बात कर रहे हैं, बताओ, और जब आंकड़ों की बात आती है, चंचल जी सुनिए, चंचल जी सुन तो लीजिए, अपराधी प्रवृत्ति के पलट के क्यों भाग रहे भाई, चलिए सुन तो लीजिए, जब आंकड़ों की बात आती है तो जब भारतीय जनता पार्टी सरकार जब आंकड़े दिखाती है तो उस समय आप बोलते हैं अरे यार भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की बाजीगर है, वो आंकड़े अपने आप से सेट कर लेती है। अरे भैया स्पष्ट करिए आखिर में है क्या, एक आंकड़ा बताएंगे जिसके अंदर आप उनको दोषी देंगे, एक आंकड़े बताएंगे जिसके अंदर भाजपा को बाजीगर बता देंगे। सवाल उठाया था ये विपक्ष का, सबसे बड़ा बात यही है कि रोना यही चीज है, कुछ एक चीज पे स्टैंड नहीं रहते ये लोग नितिन जी, बिल्कुल आज के अपराधी अपराधी ही होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी का रहे, किसी भी झंडे के तले रहे, वो अपराधी ही रहेगा। और इस वर्तमान राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं, वरन ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अपराधियों से अछूती हो, कोई पार्टी बता दीजिए अछूती हो, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। इनकम टैक्स विजिलेंस केवल विपक्षी पार्टी के नेताओं को पकड़ती है, कांग्रेस से पूछिए ना, जब आपकी सरकार, मुझे पूछिए ना, मैं आपको जरा बताइए ना, 2017 के अंदर आपने गठबंधन क्यों किया कांग्रेस से, लगा रखा है 2017 में आपने कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया, उसी कांग्रेस की सरकार थी जिसने आपके संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आए थे, जांच बिठाई थी। शाही साहब 10 सेकंड में जवाब दीजिए, डिबेट खत्म करो, ये नमामि गंगे और दवाओं का मामला उठा, बताइए ना क्या कार्रवाई करी आपने। देखिए आज का मुद्दा जो है नितिन जी, उसका जवाब बहुत कायदे से दिया जा चुका है, विपक्ष न माने तो अलग बात है, बाकी नमामि गंगे और भ्रष्टाचार और दंगे पर किसी और दिन आप डिबेट रख लीजिए और चंचल जी को बुला लीजिए, एक एक डेटा दूंगा, उस दिन ये चिल्लाएंगे बाप बाप, मैं जल्दी करता हूं, आपका गलत है, मैं जल्दी करता हूं, साथ में मेरे बैठ जल्दी करता हूं, साथ कल बैठूंगा, चैलेंज करता हूं, भागेंगे आप, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो अपराधियों पर बात हो रही है, श्रीकांत त्यागी पर बात हो रही है, और बात ये हो रही है कि मौजूदा सत्ता दल में अपराधियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में ही अपराधियों की संख्या ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं शय पाने के लिए राजनीति को ही अपना सहारा बनाते हैं। हमें और आपको ऐसे अपराधियों से थोड़ी दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश और देश में घटा है श्रीकांत त्यागी के मामले के बाद, अब आगे इसमें क्या होता है, कितनी दिन में गिरफ्तारी होती है, आगे क्या कार्रवाई होगी, ये देखना है। फिलहाल आज की इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
देख रहे हैं प्राइम।